आगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किर्गिस्तान में रह रहे मध्य प्रदेश के छात्रों से फोन पर बात की है और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मोदी सरकार उनकी चिंता कर रही है। मुख्यमंत्री ने रोहित पांचाल, रवि सराठे और विवेक शर्मा से बातचीत भी की है और बाकी के छात्रों का हालचाल भी लिया है। वीडियो कॉल पर यह बातचीत हुई है। बातचीत में छात्रों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को बताया कि सभी छात्र हॉस्टल में रह रहे हैं, माफ कीजिएगा, और वहां उन्हें कोई परेशानी भी नहीं है। क्या स्थिति है? ठीक है सर, स्थिति तो अभी मतलब आराम से ही हुआ एग्जाम का ये। हाँ सर, हॉस्टल में है ना, इसकी चिंता कर रहा है। हाँ। और कोई बात हो तो बताना, हम संपर्क में नहीं रहना था आपसे। ठीक है सर। वो महेंद्र कहाँ? महेंद्र, हाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है जी, जी सर। और कोई तो नहीं यहाँ पे उज्जैन वाला या आसपास वाला? पर मैंने एक बात ये निर्णय किया, ध्यान में आया कि बच्चों की परीक्षा करा के ही वहाँ से बुलवाया जाए, अन्यथा इनका पूरा साल का लॉस होगा। स्वाभाविक रूप से इसे हमारे बदले हालात में हिम्मत से भी काम लेना पड़ता है और बच्चों की ज़िंदगी का भी सवाल है, इसलिए हमने वहाँ के प्रशासन से बात की कि हर हालत में इनकी परीक्षा सही समय पर सही तरीके से करा दी जाए और सुरक्षा की भी पूरी चिंता की जाए। सरकार भी 24 घंटे संपर्क में, किसी को कोई कष्ट नहीं है ये हमने देखा, ना किसी बच्चे को कोई चोट लगी है। उम्मीद करेंगे जल्दी जल्दी हालात और सामान्य होंगे। मेरी अपनी ओर से बच्चों के सभी अभिभावकों को, मध्य प्रदेश की जनता को और भारत सरकार के साथ संपर्क में रहने कारण से ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हालात सामान्य बनाने की दिशा में लगातार लगे हुए हैं और बहुत जल्दी सब नॉर्मल होगा। किर्गिस्तान में हो रही हिंसा के कारण उज्जैन शहर के एक दर्जन से ज्यादा छात्र और छात्राएं वहां पर फंसे हुए हैं। इसके बाद बच्चों की चिंता उनके परिजनों को काफी बनी हुई है। फंसे हुए बच्चों के माता पिता को इस बात की चिंता है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। सभी छात्र अपने हॉस्टल छोड़कर अन्य जगहों पर छिपे हुए हैं। भारत सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से उन्हें वापस भारत लाने की गुहार लगाई गई है। बालक ने बताया कि पापा यहाँ पे स्थिति बहुत खराब है, शहर में होता हूँ, मेरा बालक वहाँ से 30 से 40 किलोमीटर दूर है वहाँ पे, तो 40 किलोमीटर दूर है वहाँ पे सेफ। वो बाहर फ्लैट में रहता था, फ्लैट से उसको अपन ने हॉस्टल में ट्रांसफर कर दिया क्योंकि कार्य प्रशासन द्वारा उनको बोला गया। देखिए यहाँ पर जो है लोगों की लिस्टिंग कराई गई है, जो एम्बेसी है एम्बेसी को कम्युनिकेट किया जा रहा है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई इशू एम्बेसी की तरफ से रेज नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं। टोटल 8 लोग जेल, ऐसी प्रारंभिक जानकारी हमारे पास है और इसमें जो भी मदद हो सकेगी वो हम करेंगे। और उज्जैन के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने किर्गिस्तान में फंसे उज्जैन के छात्रों से बातचीत भी की और उन्हें हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि छात्रों का मोबाइल नंबर और पता नोट कराया गया है और हर संभव मदद के प्रयास किए जा रहे हैं। शैलेंद्र भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं इस पूरे मसले को लेकर। शैलेंद्र, किर्गिस्तान में छात्र फंसे हुए हैं और चिंता कितनी है परिवारजनों को ये तो हमने दिखाया है, लेकिन सरकार जो है वो भी पूरे प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री ने भी बातचीत की और सबका हाल जाना है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करूं मध्य प्रदेश के लिहाज से तो लगभग 1200 छात्र ऐसे हैं जो किर्गिस्तान में फंसे हुए और ऐसे छात्रों की सुरक्षा को लेकर उनके परिजन जो है वो कहीं ना कहीं चिंतित हैं और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कुछ बच्चों से बातचीत भी की और बाकी बच्चों का हालचाल भी जाना है। जो बातचीत हुई है उसके दौरान उन्होंने बताया है कि सभी बच्चे जो है सुरक्षित है, अपने हॉस्टल्स में रह रहे, चूंकि आने वाले 2 महीने बाद बच्चों की परीक्षाएं और यही कारण है कि उनको वहीं पर रखे जाने का निर्णय अभी सरकार ने लिया और सबसे बात की और
आपको ये पूरा तरीके से आश्वस्त किया है कि आप जिस इलाके में भी रह रहे हैं वहां पर आप सुरक्षित तरीके से रहेंगे, क्योंकि वहां की सरकार से भी बात हुई है और उन्होंने साफ कहा है कि मोदी सरकार है, लगातार तमाम जो वहां के अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की गई है, बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी, चूंकि बच्चों का परीक्षा का समय है और 2 महीने बाद पेपर है, ऐसे में उनका साल खराब ना हो इसलिए उनको भारत वापस नहीं लाया जा रहा, बल्कि 2 महीने बाद जब उनके एग्जाम हो जाएंगे तो सबको वापस लाया जाएगा। जिन जिलों के बच्चे हैं उन जिलों के कलेक्टर को भी बोला गया है कि उनके परिजनों से मुलाकात करें और जो भी वो अगर समस्या बता रहे हैं तो बच्चों से बात करके समस्या का समाधान करें। बाकायदा कुछ जिला कलेक्टर्स ने नंबर्स भी जारी किए हैं कि यदि किसी बच्चे के परिजन को किसी भी तरह की कोई आशंका लगती है, कोई जानकारी लगती है, किसी को कोई परेशानी है तो वो इन नंबरों पर भी सूचित कर सकता है। और देखिए खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बातचीत की है तो निश्चित तौर पर इस पूरे कवायद के बाद जो परिजन जिनके बच्चे किर्गिस्तान में रह रहे हैं उनको भी एक राहत की सांस आई होगी, क्योंकि देखिए खुद सरकार जो है वो बच्चों को लेकर चिंतित है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद बात की और साफ कहा है कि मोदी सरकार है, सभी बच्चे सुरक्षित और किसी को कोई तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन शैलेंद्र, ये आप बता रहे हैं कि 2 महीने का वक्त है, अभी उनके एग्जाम्स होने हैं और एग्जाम अगर नहीं होती है तो उनका साल भी खराब हो सकता है, इसलिए इस बात की कोशिश की जा रही है, तो क्या ये प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं वहां की सरकारों से कि आप एग्जाम पहले ले लीजिए और बच्चों को तुरंत वहां से हिंदुस्तान भेजा जाए, इसके प्रयास किए जाएंगे क्या? देखिए बिल्कुल अभी तो किस दिशा में किस तरह के प्रयास होंगे ये सरकार के लेवल पर लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव ने जो कहा है उन्होंने साफ कहा है कि 2 महीने के बाद बच्चों की परीक्षा होनी है और परीक्षाओं के पहले अगर बच्चों को भारत वापस बुलाया जाता है तो उनके साल बर्बाद होने का खतरा रहता है। निश्चित तौर पर जो जिस बात का उन्होंने जिक्र किया कि मोदी सरकार के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो विदेश मंत्री हैं, वो लगातार किर्गिस्तान के जो नेता हैं या जो अधिकारी उनसे लगातार चर्चा करने में जुटे हुए और भारतीय बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, क्योंकि अगर भारत के लिहाज देखो तो लगभग 30,000 बच्चे जो हैं वो किर्गिस्तान में इस समय हैं, तो ऐसे बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उनकी सुरक्षा के माकूल इंतजामात हो, इसकी भी जो पुख्ता है वो किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शैलेंद्र। चलिए बढ़ते आगे। भोपाल में पुलिस बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अल्पना टॉकीज गोलीकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। आरोपियों ने एक युवक पर फिल्मी स्टाइल में हमला किया था। हमला करने वाले 2 बदमाश अभी भी फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला, 2 बदमाश अभी भी फरार हैं। देख सकते हैं ये तस्वीरें, सख्ती दिखाने की कोशिश और एक प्रकार से पुलिस जो है वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि बदमाशों की खैर नहीं। एक युवक पर फिल्मी स्टाइल में हमला किया था। हमला करने वाले 2 बदमाश अभी भी फरार चल रहे हैं।